शायान गिफ्ट कर रहे हैं इंडिया का टी शर्ट। खोल के दिखाओ जरा क्या लिखा है उस पे। ये वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग गाइस। सुबह के 11 बज चुके हैं। आज हमारा बेंगलुरु में लास्ट डे है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम सीधा ग्राउंड चलते हैं। बहुत ही सुहानी और ठंडी हवा चल रही है, बहुत प्यारा मौसम है यहाँ का। एक बार फिर से तारीफ किए बिना रह नहीं सकता, जबकि बहुत कड़क धूप निकली हुई है। बेंगलुरु के आखिरी दिन की फर्स्ट सेशन ओवर हो चुकी है। 13 दिनों से लगातार भागम भाग चलती जा रही है। शायान टीवी देख रहे हैं, थोड़ा सा खाली वक्त, और ठीक उसी जगह पे बैठे हैं जहां पे मुशीर खान ने कल शायान को ऑटोग्राफ दिया था, बैट के ऊपर शायान के, और यहां पे सरफराज खान बैठे थे। तो कुल मिलाकर के बहुत ही मेमोरेबल हम लोगों की जर्नी रही है। तो चलिए एक और मेमोरी ऐड करते हैं अपने नए व्लॉग में। दोपहर के ठीक 1:30 हुए हैं और पेट में अब चूहे दौड़ने लगे हैं। तो चलिए सबसे पहले पेट पूजा। आज एक बार फिर से काफ़ी भीड़ भाड़ है। आज शायान ने चूज़ किया है ग्रिल्ड सैंडविच और घी राइस विथ दाल। तो एक और नया डिश ट्राई करने वाले हैं शायान। मौसम पल पल बदलता रहता है। अभी थोड़ी देर पहले जबरदस्त धूप खिली हुई थी और अब आसमान में काले काले बादल छाने लगे हैं। हॉट डे इन अ रो। यहाँ से गेट तो है पर अंदर जाने का रास्ता बंद किया हुआ है, तो हमें दूसरा गेट देखना पड़ेगा। शायान एक और गेट की तलाश में है। अच्छा सा पार्क है यहाँ पे और काफ़ी ज़बरदस्त ट्रैफिक है चारों ओर। बिजी स्ट्रीट है यार यहाँ पे, ये बहुत ही फेमस पार्क है। हम आ गए हैं अब कब्बन पार्क। यहाँ पे भी काफ़ी जांच पड़ताल है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है। इतने लोग आ रहे हैं लगातार, आप देख सकते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे आज इसलिए आए हैं कि शायान के एक फ़ैन, छोटा सा किड है और वो क्रिकेट वंडर्स इंडिया का कस्टमर भी है, तो वो शायान से मिलना चाहते थे। God bless you, dear kid. ये शायान के फ़ैन भी हैं और क्रिकेट वंडर्स इंडिया के कस्टमर भी हैं, तो दो दो रिलेशन है इनसे, है ना। बैटिंग करते हो आप? ऑलराउंडर हो, बॉलिंग भी करते हैं? क्या बैटिंग करते हो आप? कौन सा शॉट सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे शॉट बहुत पसंद है। और प्लेयर कौन सा आपका फेवरेट है? रोहित शर्मा है। कोई बात नहीं, वेल डन, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा। शायान से मिलने के लिए शायान के फैन, छोटे से नन्हे फैन और क्रिकेट वंडर्स इंडिया के सितारे यहाँ पहुँचे हैं। मुलाकात बहुत ही गर्मजोशी से, और शायान को गिफ्ट, क्या गिफ्ट मिला यार, दिखा दो यार, क्या बात है। नक्श मौजूद है बेंगलुरु में, जिनके लिए आज शायान ने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है बिजी शेड्यूल से, और शायान गिफ्ट कर रहे हैं इंडिया का टी शर्ट। खोल के दिखाओ जरा क्या लिखा है उस पर। ये क्योंकि शायान भैया जो है ना विराट के फैन है, वो पता नहीं था, तो हम रोहित के टी शर्ट्स आपके लिए लेके आते हैं, पहले बताना था ना। एनीवे विराट कोहली भी बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है, तो आप पहनो इसको। विराट का कौन सा सबसे बढ़िया शॉट है बताओ? कवर ड्राइव, तुम्हें ये भी पता है, चलो फिर तो ये परफेक्ट है तुम्हारे लिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।
एक दिन हम तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए आएंगे खेलते हुए, ठीक है? बिल्कुल सर, पहले सायान खेलेगा उसके बाद मैं। क्रिकेट वंडर्स इंडिया के क्रिकेट गियर से खेलना लेकिन। ठीक कर दो, थोड़ा ठीक कर दो शायान, उसका कॉलर वगैरह ठीक कर दो। कब्बन पार्क बेंगलुरु में आज शायान के तीन चार और भी फैन मिल गए हैं। सबसे पहले आप बताओ योर गुड नेम। आसिया, इसहा, इस्माइल। क्या बात है, माशाल्लाह, जबरदस्त यार, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे काफी लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, हालांकि काफी जबरदस्त धूप खिल गई है, अब थोड़ी सी गर्मी भी, गर्मी का भी एहसास हो रहा है क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग चल रहे हैं। अब नक्श जाने की तैयारी में है क्योंकि शायान की भी बड़ी बिजी शेड्यूल है अभी और कई सारी मीटिंग्स हैं, तो ठीक है नक्श, फिर मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस। बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी लोग भी काफ़ी तादाद में यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीनरी है, हरियाली, फिर बादल छा गए, ऐसा लगता है सेल्फी पॉइंट को जैसे, हर तरफ लोग अपने अपने पिक्स ले रहे हैं और यादगार अपने संजो रहे हैं। शायान अब और अंदर पहुंच गए हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत ही कूल प्लेस है, चारों ओर लोग एंजॉय कर रहे हैं। बैंड स्टैंड यहाँ पे रिलैक्सिंग पॉइंट है और पीछे हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका दिखाई पड़ रहा है। अपना प्यार आप सब ऐसे ही बनाए रखना ताकि हमारी और आपकी जर्नी बहुत दूर तक जाने वाली है। टीम इंडिया इधर भी है, एक तो अपना ही रास्ता निकाल लेते हैं, शॉर्टकट भी कई बार। यहाँ से हमें विजय माल्या का जो विजय माल्या की जो बिल्डिंग है वो भी दिखाई पड़ रही है, ये देखें आप, बहुत ऊंची है, हालांकि काफी ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, बट बहुत खूबसूरत और आलीशान बिल्डिंग है। यहाँ पे वो भी है शायान, इस पे चले क्या पहाड़ पे? नहीं शायान को तो मैच देखने का मन है, इतनी भीड़ है यार। यहाँ पे एक पहाड़ी सी बनी हुई है, वहां पे लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, लेकिन शायान को तो मैच देखना है। वो इतने ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा फेस दिखा दो एक बार, गुस्से वाला यार, दिखा दो एक बार, दिखा दो। तो चलो फिलहाल शायान की जो खुशी है उसको पूरा करते हैं। बहुत सुंदर पार्क है, शानदार। ये बेंगलुरु एक्वेरियम है, इतनी ज़बरदस्त रश है यहाँ पे, हालांकि हमारे पास टाइम ही नहीं है कि अंदर जा सकें। बेंगलुरु की जाम ऐसी होती है, हालांकि ये रेड लाइट है, बट वैसे जब आप लंबे टूर पे निकलेंगे तो इस तरह के जाम का आपको बहुत बार सामना करना पड़ेगा। यहाँ एक बार फिर से पहुंच गए हैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम, भाग भाग कर आए हैं। स्पीड देखो आप, पार्क में उदास दिख रहा था। पहुंच गए हैं, भाग भाग, क्या बात है, लकी शायान, सरफराज और ऋषभ की बैटिंग मिल गई, थर्ड डे इन ए रो। स्टेडियम हम पहुंच गए हैं, खलील अहमद गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त, सरफराज, और ओ माय गॉड, मौका बन गया था, अच्छी गेंद थी, ग्रैंड एटमॉस्फेयर, जबरदस्त भीड़ है आज। दूसरे स्टैंड में जा रहे हैं,
क्योंकि इधर पूरा खचा खच भरा हुआ है। पहले तो हम मॉर्निंग में पहुंच जाते थे। खलील अहमद एक बार फिर से, सामने सरफराज, और ये शानदार शॉट, बॉल दिखाई नहीं दी, इतनी जबरदस्त शॉट थी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। फर्स्ट इनिंग में मुशीर का जलवा था और अब सरफराज का। 24 बॉल्स खेले और 40 रन स्कोर कर चुके हैं। 87 रनों पे 3 विकेट गिर चुकी है इंडिया बी की। मुशीर आज जल्दी आउट हो गए। एक बार फिर से खलील अहमद लंबे रन अप से, सरफराज बिल्कुल तैयार है और इसको खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर, शानदार चौका। फीलिंग वेरी लक्की, एक छोर पे ऋषभ पंत और दूसरे छोर पे सरफराज खान। आवेश सामने ऋषभ, और इसको खेल दिया है हल्के हाथों से और छोर बदल लिया। आवेश एक बार फिर से भागना शुरू किया, सामने सरफराज, और इसको खेल दिया है गली की दिशा में, और ये बहुत ही उम्दा फील्डिंग। आवेश एक बार फिर से सामना करेंगे सरफराज, और इसको खेल दिया है इसको आले की दिशा में, फील्डर भाग कर आए बाउंड्री से। 45 रनों पे पहुंच गए अपने एक और 50 के बिल्कुल करीब। 93 हो गया है कुल योग इंडिया बी का, 3 विकेटें भी गिर चुकी हैं। हालांकि 93 रनों का लीड भी मिला था पहली इनिंग्स के खेल में। आवेश एक बार फिर से, ऋषभ बिल्कुल तैयार, और इसको सॉलिड डिफेंस। मोहम्मद खलील बाउंड्री के ऊपर, ये क्या बात है, लकी मोमेंट फॉर व्यूअर्स। कुलदीप एक बार फिर से शॉर्ट लेग तैनात किया हुआ है, दबाव बनाना चाहते हैं सरफराज पे, अपने 50 से सिर्फ 5 रन दूर हैं, और इसको खेल दिया मिड विकेट की दिशा में। थोड़ा धैर्य से काम लेना पड़ेगा, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा तादाद में आज लोग आए हैं मैच को देखने के लिए। आवेश खान एक और नई ओवर लेकर आ गए हैं, सामने आ गए हैं सरफराज, और ये सरफराज, शानदार बॉल, विकेटों के पीछे पकड़े गए और 44 रन्स बनाकर पैवेलियन की ओर। शायान बिल्कुल निराश, बहुत ही जबरदस्त कैच लिया ध्रुव जुरेल ने और 4th विकेट का पतन हो गया। नीतीश रेड्डी अब मैदान के बीचों बीच आ गए हैं। चिन्ना स्वामी स्टेडियम से आज के लिए इतना ही। अब शायान की प्रैक्टिस सेशंस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, सो अब हमें जाना पड़ेगा। ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी को बल्लेबाजी करते देखना एक शानदार अनुभव होता, लेकिन शायान निकल पड़े हैं। अब सीधा यहाँ से घर जाना है और किट बैग लेकर फटाफट ग्राउंड। एक बार फिर से बहुत लंबा जाम, क्योंकि यहाँ पे रेड लाइट है तो काफी लंबी जाम रहती है। बारिश ने स्वागत किया है शायान का दिल्ली में।